हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8 स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीजें समझनी होगी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर है ना, आपको दो चीजें दी गई है, एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। देखो, डिविजन तो आप पहले से करते ही आ रहे हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको दिया है 7 / 4, 4 1 4 लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। अब 3 स्मॉलर है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बिगर बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो ऊपर हमें एक पॉइंट पुट करना होगा। अब 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, लेकिन 28 आता है, वो आता है 7 टाइम, तो यहाँ पर हम लेंगे 4 7 28, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। तो फिर से यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल में 20 आता है, देखो 5 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 5 20, तो ये हो गया आपका 0 0। अब ये इसके आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जब 0 0 आ जाता है तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी जब 0 0 आ गया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट हो गया। अब एक ऐसा फॉर्म भी होगा जो यहाँ पर कंटिन्यू नंबर्स आपको मिलते रहेंगे, आप डिवीजन करते रहो, डिवीजन मिलता रहेगा, आप थक जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, तो ऐसे फॉर्म को हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसी के बाद आपको कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, जैसे कि ये है 7/6, इसको भी देख लेते हैं। आइए, देखो 6 को डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पर हम लेंगे 6 1 6, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब 1 स्मॉलर है तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमें 0 लगाना है, 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब 6 के टेबल में 10 नहीं आता है, स्मॉलर लेना है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, तो 6 1 6 करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। अब इस 4 को बढ़ाने के लिए फिर से एक 0 लगाएंगे। अब 6 के टेबल में आएगा 6 times 36, माइनस करेंगे यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, फिर 0 लगाएंगे फिर आपको 36 मिलेगा, फिर अपसाइड आप 6 लगाते रहेंगे, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें जो आंसर मिला है वो 1.666, इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 666 कंटिन्यू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 times 6 लिखेंगे और अपसाइड इस तरीके का पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 6 बार बार आ रहा है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे। ये रिकरिंग फॉर्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसा भी फॉर्म होता है कि कभी आपको ऐसा रहेगा कि 1.61661, इस तरीके का आपको 61 61 61 ऐसा कंटिन्यू फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब पहले 61 मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से 61, फिर उसके बाद फिर से 61, इस तरीके का कंटिन्यू फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये वाला एग्जाम्पल वही दिया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, 99 को 23 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये 23 स्मॉलर है, इसको बिगर बनाने के लिए 0 लगाएंगे, तो अपसाइड हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 99 के टेबल में 230 या 230 से स्मॉलर नंबर हमें देखना है, तो 99 टू ज़ा अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 198, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 32, ठीक है। अब 32 स्मॉलर है, फिर से आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 320। अब 99 के टेबल में 320 या 320 से स्मॉलर नंबर देखना है, तो अब हम 99 थ्री ज़ा करेंगे तो आपको मिलेगा 297। अब माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से 23 मिलेगा। देखो, यहाँ पर हमें स्टार्ट में 23 मिला था, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे हम लोग तो वापस से आपको 198 मिलेगा 2 times, फिर जब कट करोगे तो आपको 320 मिलेगा, फिर अपसाइड आपको क्या करना पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा, तो ये आपका 23 के बाद फिर से 23 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिपीट क्या हो रहा है, 23 23। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब हमें फर्स्ट में 666 आ रहा था तो हमने अपसाइड में डॉट लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दो नंबर रिकर हो रहा है, यानी कंटिन्यू एक के बाद एक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 23 के अपसाइड में ऐसे एक बार बना देंगे, ठीक है, और इसको एक ही टाइम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसका आंसर रहेगा 0.23, अपसाइड में एक बार ऐसे लग जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब फोर्थ वाले में देखो, आपको एग्जांपल ऐसा दिया है कि यहाँ पर 142857, ये नंबर पहले एक बार आ रहा है, 7 के बाद में फिर से आपको ये 142788 इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक बार लिखा और अपसाइड में ऐसा एक बार बना दिया। ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, 5 6 7, जितने भी नंबर होंगे, लेकिन जहां पर भी रिपीट होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके का एक बार बना देंगे। एग्जांपल्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 9/37, तो यहाँ पर 37 को डिवाइड करना है 9 से, 37 का टेबल यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, इतने में अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 स्मॉलर है, तो क्या करेंगे, 9 को बिगर बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो ऊपर हमें 0 पॉइंट करना पड़ेगा। अब देखो 37 के टेबल में 90 या 90 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो है 74, तो ये आता है 2 times,
तो 37 टूजा हो जाएगा 74, माइनस करो तो यहाँ पर माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 16। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक जीरो फ्री में ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 160। आप देखो 37 के टेबल में 160 या 160 से स्मॉलर नंबर आपको मिल रहा है 148 और ये मिल रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 4 ज़ा 148, माइनस करो तो ये बन जाएगा 5, ये बनेगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा और ये 0, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 12। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक जीरो फ्री में ले लेंगे, ये बन जाएगा आपका 120। अब 120 से स्मॉलर नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है 111 मिल रहा है और ये मिल रहा है आपको 3 टाइम्स, तो 37 3 ज़ा आपका रहेगा 111, माइनस करो तो यहाँ पर देखो क्लियरली पता चल रहा है 20 में से 11 माइनस होगा तो 9 बचेगा। आप देखो ये 9 फिर से आपको 0 लगाना पड़ेगा तो ये आपको 90 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, 2 करोगे मिलेगा आपको 74, माइनस करोगे यहाँ पर अगेन आपको 60 मिलेगा, फिर 0 लगाओगे, फिर आप करोगे 4 टाइम 148 मिलेगा, अगेन जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, फिर आप आगे 0 लगाओगे तो देखो ये स्टेप्स यहाँ से कंटिन्यू आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर 2 4 3 के बाद अगेन आपको 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर आगे आपको सेम 3 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां से रिपीट हो रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको 90 मिला तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0.243 और अपसाइड में इस तरीके का हम बार कर देंगे। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से एक बार, जहां से भी रिपीट होगा वहां पर आपको स्टॉप करना है। जैसे कि यहाँ पर 90 आया, देखो 90 आया, 90 आने के बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 37 टूजा लेना पड़ेगा, तो फिर टूजा लेंगे तो आप 74, ये स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे, फिर से आपको 243 मिलेगा। तो जहां से भी रिपीट होगा वहां पर आपको स्टॉप करना है, 2 आ रहा है इसके बाद तो यहीं पर आप स्टॉप कर देंगे 243, अपसाइड में एक बार ऐसे लगा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में कैसे किया, कॉपी कर लो इसको, फिर सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 18/42। देखो दोनों ही 6 के टेबल में कट होते हैं, 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 7 ज़ा होता है 42, तो हम यहाँ पर 3/7 भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, देखो होता है 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पर 6 7 ज़ा 42, अगर कैंसिल करेंगे तो ये 6 ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3/7 में मिलेगा 7, तो करो इसका डिवीजन। 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता है तो 3 को बिगर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 0 लगाना पड़ेगा और अपसाइड आ जाएगा 0 पॉइंट। अब बताओ 30 आता है या 30 से स्मॉलर नंबर कोई मिलता है क्या 7 के टेबल में, तो 7 4 ज़ा आपको मिलेगा 28, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो अब 2 स्मॉलर है 7 से तो यहाँ पर हमें फ्री में 10 मिलता है, तो अब ये बिगर हो जाएगा 7 के टेबल में 20 या 20 से स्मॉलर नंबर देखो तो 7 2 ज़ा आपको मिलेगा यहाँ पर 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। अब फिर से 6 को बिगर बनाने के लिए 10 फ्री में ले लो, यहाँ पर आपको 60 या 60 से स्मॉलर नंबर देखना है, 7 के टेबल में आपको 8 टाइम्स मिलेगा 56। अब इसको माइनस करो तो यहाँ पर अगेन आपको 4 मिलेगा, फिर इसको बिगर बनाने के लिए 10 लगाना पड़ेगा, तो अब बताओ मुझे 7 के टेबल में 40 या 40 से स्मॉलर नंबर कोई मिलता है क्या, मिलता है, 7 5 ज़ा आपको मिलेगा 35, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। अब 5 को फिर से बिगर बना दो यहाँ पर 0 लगा के, अब 7 के टेबल में 7 टाइम्स आता है 49, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, फिर 0 लगाओ, फिर 7 1 ज़ा आपका बनेगा 7, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। अब देखो ये 3 मिला, यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 था, 0 लगाएंगे फिर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी वैसी, तो आपको फाइनली जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पर 1 के बाद फिर से 4 मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 18/42 विच इज इक्वल टू 3/7, इसको कट करने के बाद हमें 3/7 मिला था, फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 0.428571, इसके बाद फिर से हमें 4 ही मिलता है ना। यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूँ फिर 7 के टेबल में 30 को कट करने को देखूँ तो यहाँ पर मुझे 7 4 ज़ा 28 यही रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा और आप साइड में एक बार इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। आया समझ में कैसे किया, कॉपी कर लो इसको, फिर थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है 9/14, तो 14 का टेबल यहाँ पर मैं आपके लिए राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए आपको। अब आइए सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्गर जाने वाला है तो ध्यान से समझिए। देखो 14 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 को बिगर करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे तो अपसाइड में हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 14 के टेबल में 90 आता है या 90 से स्मॉलर कौन सा आता है वो देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा 84। कितने टाइम मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपको मिल रहा है 84, ठीक है। इसको कट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 90 में से 84 जाएगा तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। अगेन 6 को बिगर करने के लिए हमें 0 लगाना होगा। अब 14 के टेबल में 60 या 60 से स्मॉलर आपको 56 मिल रहा है, 56 कहाँ पर मिल रहा है आपको, मिल रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, माइनस करो तो यहाँ पर अगेन आपको मिलेगा 4, फिर 0 लगाएंगे हम लोग तो ये 40 बन जाएगा। अब 14 के टेबल में 40 से स्मॉलर है 28, 2 टाइम्स मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 28, माइनस करो, यहाँ पर माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 12।
अब ये 12 स्मॉलर है, इसको फिर से जीरो लगा के बिगर बना दो तो ये 120 हो जाएगा। 120 या 120 से स्मॉलर आपको यहाँ पर मिल रहा है 112, तो 112 आपको मिल रहा है 8 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ आ जाएगा 112। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। अगेन जीरो लगाएंगे तो अब 80 और 80 से स्मॉलर नंबर देखो यहाँ पर आपको कौन सा मिल रहा है, वो है 70। कितने टाइम्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मिल रहा है, तो यहाँ पर 14 5 हो जाएगा आपका 70। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। अब फिर से इसको बिगर बनाने के लिए यहाँ पर आपको जीरो लगाना होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब देखो 100 से स्मॉलर यहाँ पर आपको 98 दिया गया है, कहाँ मिल रहा है, 7 टाइम्स मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 7 98। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। फिर से इसको बिगर बनाना है तो यहाँ पर जीरो लगा दो। अब क्या करना होगा, 14 वन जा लेना होगा 14, तो यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 6 जो है वो आपका स्टार्टिंग यहीं पर मिला था बराबर। आप जीरो लगाओगे तो फिर आपको 56 लेना पड़ेगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से। तो देयर फोर 9/14 इज इक्वल टू 0.642857 यहाँ पे आपका एंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम जीरो लगाएंगे और फिर से यहाँ पर 4 लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से वापस रिपीट होगा, तो हम यहाँ पर एंड कर देंगे और अप साइड में यहाँ पर बार लगा देंगे। आया समझ में, जहाँ से भी आपका रिपीट होगा, तो यहाँ पर हमारा ये 4 से रिपीट हो रहा था, क्योंकि देखो 4 आता फिर उसके बाद 2 आता फिर 8 आता, ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता, तो हमने यहाँ पर 1 पर एंड कर दिया और अप साइड में बार लगाया 1 पर। अब यहाँ आगे आपका 4 आएगा तो आप 4 नहीं लिखेंगे, एंड कर देंगे 1 पर ही। आया समझ में कैसे किया, कॉपी कर लो इसको। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है -103/5। थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कीजिए और जो प्लस में है उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हम माइनस की साइन बाद में पुट कर देंगे। कैसे करना है देखो, यहाँ पर 5 के टेबल में आपको 103 को डिवाइड करना है, तो 520 जा आपको 100 मिलेगा। देखो यहाँ पर 50 जा 0 52 जा 10, तो आपको 100 मिलेगा। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पर आप 2 डिजिट को पहले डिवाइड कीजिए, 52 जा आपको मिलेगा 10। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पर आपको 0 0 मिलने वाला है। आप क्या करेंगे, इस 3 को नीचे लेकर आएंगे, अब 3 स्मॉलर है 5 से, तो क्या करेंगे 0 लगाकर इसको 30 बनाएंगे, तो अप साइड में यहाँ पर हमें 0 लगा के पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 के टेबल में देखेंगे 30 आता है, यस आता है, 5 6 आपको मिलेगा 30। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हायर टेबल्स आते हैं तो अच्छी बात है, देखो 520 जा यहाँ पर आपको मिलेगा 100, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 6 जा यहाँ पर आएगा 30, माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 0 मिलेगा। सेम आंसर मिलने वाला है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है, आपके समझने के लिए है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 103/5 इज इक्वल टू 20.6, लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव में पूछा था, माइनस में था ना, तो देयरफोर -103/5 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया उसको माइनस में लिख दो, ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। आया समझ में कैसे किया, अगर ये कन्फ्यूजन है तो मैं एक को हटा देता हूँ। अब देखो पूरा सोल्यूशन अच्छे से कॉपी कर लो इसको, फिर लास्ट फिफ्थ वाला करते हैं, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला आपको दिया है -11/13, थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर करो, बाद में हम माइनस पुट कर देंगे। तो 13 का टेबल यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, अब आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 13 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो इसको बिगर बनाने के लिए यहाँ पर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अब चेक करो 110 या उससे स्मॉलर नंबर आपको यहाँ पर कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर मिल रहा है 104 8 टाइम्स, तो पहले यहाँ पर हमें 0 पॉइंट लगाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0 लगाया था। अब हम करेंगे 13 8 जा 104, माइनस करो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। इसको बिगर बनाने के लिए एक फ्री में 0 ले लो, यहाँ पर ये बन जाएगा 60। अब 60 या 60 से स्मॉलर यहाँ पर आपको 52 मिल रहा है 4 टाइम्स, तो लिखो यहाँ पर 13 4 जा 52, माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8। फिर से एक फ्री में 0 ले लो और इसको बना दो 80। अब 80 या 80 से स्मॉलर यहाँ पर आपको मिल रहा है 78 मिल रहा है आपको 6 टाइम्स, तो लिखो यहाँ पर 13 6 जा 78, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। अगेन आपको 0 लगाकर इसको बिगर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 13 1 जा 13 लेंगे तो ये आ जाएगा 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7। अगेन 0 लगा के इसको बिगर बनाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर 70 से स्मॉलर 65 मिल रहा है, कितना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 जा 65, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5। फिर इसको 0 लगाकर बिगर बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा 50। फिर 50 से स्मॉलर यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 टाइम्स 39, तो आ जाएगा यहाँ पर 13 3 जा 39, माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11। ठीक है, अब 11 मिला, 0 लगाते हो तो यहाँ पर देखो 110 फिर से आपको मिलेगा, तो फिर से वही कहानी रिपीट होगी, फिर 8 टाइम्स लोगे 4 टाइम्स लोगे
यहाँ से आपका रिपीट होगा फिर से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0.846153, लेकिन ये हमें माइनस में दिया गया था, तो देयरफॉर माइनस 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है उसको माइनस में लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.846153 और अपसाइड में आ जाएगा 12। आया समझ में कैसे किया? जहां पर भी रिपीट होगा वहां आपको स्टॉप करना है और अपसाइड में इस तरीके का बार लगाना है। अगर हम इसको कंटिन्यू करते तो यहाँ पर हमें क्या मिलता, फिर से 8 लेना पड़ता, यहाँ आ जाता 104, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलता, फिर 6 मिलता, फिर 1 मिलता, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया और अपसाइड में बार लगा दिया। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। हो गया यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट। आई होप जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।